इस संसार में ब्राह्मण ही अकेला है जिसके पेट में रोटी भले ना हो लेकिन होठों पर विश्व कल्याण की प्रार्थना हमेशा रखी हुई मिलेगी। पृथ्वी ही शांतिरापहा। अनगिनत रिलीजन्स हैं दुनिया में, सब अपने अपने फॉलोअर्स के लिए कल्याण की कामना करते हैं, करनी भी चाहिए, लेकिन सिर्फ सनातन है जो पूरी पृथ्वी की शांति मांगता है। ये आवाज सिर्फ मंदिरों से आती है और उन मंदिरों में कोई ब्राह्मण अपने कंठ से ये स्वर उच्चारित कर रहा होता है। और कौन है इस धरती पे जो रोज गाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यानी सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त रहें, सभी का जीवन मंगलमय बने और कोई दुखी ना हो। ये सभी का मतलब समझ रहे हैं ना आप? सभी यानी छोटा बड़ा, ऊंच नीच, धनी निर्धन, ब्राह्मण गैर ब्राह्मण। और ये तो फिर भी मनुष्य ठहरे, सभी में तो अणु से ब्रह्मांड तक सभी शामिल हैं, चींटी से हाथी और गौरैया से गिद्ध तक सभी। ये हैं ब्राह्मणों के आदर्श, ये है हमारी एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ने की भावना। इसलिए आज के बाद ब्राह्मणों पर टिप्पणी करने से पहले एक बार ये जरूर सोचिएगा कि जब भी सनातन और भारतवर्ष को तोड़ने की कोशिश की गई तब ब्राह्मणों ने ही अपनी शिखा खोलकर राष्ट्र और उसकी संस्कृति को एक सूत्र में बांधा है। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं ब्राह्मण हूं। मैं वो दधीची हूं जो विश्व कल्याण के लिए अपनी हड्डियां दान करने से पहले दो बार नहीं सोचता। मैं वो परशुराम हूं जो श्री राम जैसी मर्यादा मूर्ति क्षत्रियों को अपनी सारी शक्तियां सौंप देता है। मैं वो चाणक्य हूं जो एक वंचित वनवासी को उठाकर भारतवर्ष के राज सिंहासन पर बिठा देता है। मैं वो आदि शंकराचार्य हूं जो अपने असीम ज्ञान के प्रताप से समूचे भारतवर्ष को एक भगवा ध्वज के तले ला खड़ा करता है। मैं रामकृष्ण परमहंस हूं जिसकी शरण में आने वाला विवेकानंद हो जाता है। मैं स्वामी समर्थ रामदास हूं जो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा शिष्य देके इस धरा को धन्य कर देता है। मैं पेशवा बाजीराव बलाड़ हूं जो एक राजपूत राजा के स्वाभिमान के लिए थाली में सजा हुआ भोजन छोड़कर रणभूमि की ओर चल पड़ता है। मैं मंगल पांडे हूं जो स्वाधीनता के मस्तक पर तिलक बनकर जगमगाता है। मैं राजगुरु हूं, तात्या टोपे हूं, परमवीर कैप्टन मनोज पांडे हूं, मैं चंद्रशेखर तिवारी आजाद हूं। मैं वीर सावरकर हूं जो अंडमान की सेलुलर जेल में दो कटोरी पानी पी के स्वाधीनता के स्वप्न को जीवित रखता है। मैं बाल गंगाधर तिलक हूं जो भारतवर्ष को एक बार फिर अपनी संस्कृति पर गर्व करना सिखाता है। मैं दयानंद सरस्वती हूं जो अंग्रेजों के पथ भ्रष्ट किए हुए भारत को संदेश देता है, वेदों की ओर लौटो। मैं ही इस यशस्वी ब्रह्मकुल की बेटी रानी लक्ष्मी बाई हूं जो मातृभूमि की रक्षा के लिए फिरंगियों के बदन में अपनी तलवार का लोहा उतार देती है। हम ब्राह्मण हैं, जन्मजात तपस्वी हैं, जन्मजात साधक हैं। हम संगीत की साधना करते हैं तो तानसेन बन जाते हैं, स्वर साधना करते हैं तो लता मंगेशकर कहलाते हैं, और शब्द साधना करते हैं तो महाकवि कालिदास और गोस्वामी बाबा तुलसीदास के नाम से अमर हो जाते हैं। आर्यभट्ट, वराह मेहर, श्रीनिवास रामानुजन, वेंकट रमन रामकृष्णन, हजारों लाखों यशस्वी ब्राह्मणों के नाम हमारे ब्रह्म पटल पर स्वर्णाक्षरों में अंकित हैं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं ये किस्सा रह जाएगा आधा, किस किस के मैं नाम गिनाऊं, सांसें कम हैं लोग ज्यादा। ब्राह्मण भारतवर्ष का मस्तक है, ये मस्तक झुकना नहीं चाहिए। आपने बड़े धैर्य से सुना, बड़े ध्यान से सुना, आपका आभार।